ओके ओके गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइन बैलेंसिंग खत्म किया था। अभी मैंने कितना कराया था, मैं एक ही क्वेश्चन कराया था शायद उसका, है ना? मुझे एक क्वेश्चन और कराना उसका। अच्छा, वो जो क्वेश्चन अपन ने किया था उसमें लाइन एफिशिएंसी कितना निकल के आया था, उसमें लाइन एफिशिएंसी कितना निकल के आया था? हंड्रेड परसेंट। कहाँ से लाइन एफिशिएंसी 100% निकला? क्या बात कर रही है बेटा। लाइन एफिशिएंसी जितना मुझे याद है कुछ और आया था, 79 कुछ परसेंट आया था उस केस में। ऊपर निकाला था ना अपन ने डिले और वो वाला। 79.66% था ना, वही तो बात है। तो अपन ने फिर उसके वो कम किए थे। कौन सा नेटवर्क डायग्राम नहीं बन रहा? एक बार देख लेता हूँ कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं निकाल लूँ पहले। तुम लोग को व्हाट्सएप पे भेजा था ना मैंने, तनीष। फर्स्ट वाला वर्क एलिमेंट ए बी सी डी और ये सब वाला ना, तो इसमें क्या नहीं हो रहा? अच्छा, इसका नेटवर्क डायग्राम बना के बता दूँ? नॉट नेटवर्क डायग्राम बेटा, स्कीमेटिक डायग्राम। नेटवर्क अलग होता है। चलो तो बच्चों एक बार देखना आप लोग। अच्छा, आप में से किसी ने मैसेज किया था वो फाइल के लिए, तुम लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए ना इसका। मैं क्या करूँगा ना, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसके डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक शेयर कर दूंगा फाइल का, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? एंड जिसने मेरे को व्हाट्सएप किया था ना, मैं तुमको एक बार व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा बेटा। एक बार मैं सब वो क्या मेरे पास सारा जो फाइल है ना वो अलग अलग है, तो एक कंपाइल करके फिर एक सिंगल फाइल मैं तुमको शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो अपन ने उस दिन लाइन बैलेंसिंग पढ़ा था ना, तो उसी का मतलब उसी का मैंने इन लोग को फाइल एक शेयर किया था, तो उसी में एक क्वेश्चन है उसका बात कर रहे हैं। तो चलो मेरे सामने भी क्वेश्चन एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ। इसमें ऐसा है कि कंपनी सेटिंग एन असेंबली लाइन टू प्रोड्यूस 192 पर यूनिट्स। 192 एक्चुअली टारगेटेड आउटपुट है, ये टारगेट आउटपुट दिया हुआ है 192 यूनिट्स, ठीक है? कितना टाइम में अवेलेबिलिटी है वही अवेलेबिलिटी है 8 आवर्स पर डे, ठीक है? फिर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्क एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड प्रोड्यूसर्स इस तरह से दिया हुआ है तुमको, जे तक है। अच्छा, वर्क एलिमेंट टाइम और प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स आई एंड जे, जे तक है। टाइम दिया हुआ इन सबका सेकंड्स में 40, 30, 25, 20, 15, 120, 145, 145, 130। और 115, ठीक है? प्रोड्यूसर्स इसका कुछ नहीं दिया, इसका ए दिया है, इसका डी ई और एफ दिया है, इसका बी है, इसका बी है, इसका भी बी है, तीन का बी है, ए जी एच और ये सी आई। ओके, तो इसका अपन को क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम और सॉरी स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करना है पहले तो। चलो ठीक है, जो भी चीज़ का शुरुआत हो रहा है सबसे पहला तुम्हारा ए है, ठीक
अब ए जो है किस किस का प्रेडिसर है, मतलब इसमें यहाँ पे दो का है ये, ठीक है, तो आपको दोनों का पहले ही बना बना लेना है, तो बी और जी। ओके एक मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। और एक मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। फिर सी का है डी ई एफ। ओके सी का है डी ई एफ। बी का ए, तो बी के लिए अपन ने लिख दिया ए। सी का है डी ई एफ, तो उसके लिए पहले अपन को डी ई एफ मार्क करना पड़ेगा जो कि है बी से। चलो डी ई ये एफ, और सी जो है वो डी ई एफ से। फिर ये हो गया, 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 जी हो गया ऑलरेडी। फिर एच जी क्या कह रहे हो बेटा, अब आ गया? नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है, नहीं 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 अच्छा ही से। और जे जो है वो सी और आई दोनों से। ये हो गया आपका, तो आपका स्कीमेटिक डायग्राम बन गया। इसके बाद आपका जो भी काम है, पहले वर्क स्टेशन साइकिल टाइम निकालना, ठीक है, फिर आपके थ्योरेटिकल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड करना, फिर आपके रैंकिंग फाइंड करना, वो सारा काम आप कर लेंगे, कर लेंगे। चलो ठीक है। हाँ तो मैं कुछ कह रहा था, मैंने एक बार वो क्वेश्चन वापस चेक किया था, इसलिए मैं उसको बताना था मुझे, मैंने जानबूझ के उसका बात छेड़ा कि भाई वो जो क्वेश्चन हमने किया था ना उसमें हमारा जो एफिशिएंसी आया था वो आया था 79% जो भी है। तो मैं ये देख रहा था कि क्या उसमें हम और अरेंजमेंट कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई आप उसको ए के बाद बी और मतलब रैंक वाइज ही अरेंज करते चलो, ठीक है, हम उसको रैंक वाइज ज़रूरी नहीं कि अरेंज करें, क्या उसमें ऐसा फर्दर कोई अरेंजमेंट किया जा सकता था जिससे हमारा टाइम डिले कम हो। तो देखो एक बार वो जो दोबारा हमने सॉल्यूशन बनाया था ना अरेंजमेंट्स करने के बाद, वो मुझे एक बार आप बताओ, लिखवाओ, फिर उसमें कुछ अपन एडजस्टमेंट्स करके देखते हैं, मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार आप मुझे वर्क स्टेशंस जो थे और उनके टास्क और वो सारा लिखवा दो वापस से, ठीक है। स्टेशन वन था, ठीक है, टास्क थे इसमें आपके कौन कौन से, बी ए और ई, इनका जो टाइम था वो बता दो, 20:10:10, 20:10:10, ठीक है। फिर था वर्क सेशन टू, सी बस, ओके, वर्क स्टेशन थ्री, एक दूसरा क्वेश्चन भी मेरे पास, डी एफ, डी एफ, 15:20,
GH3010 S5I 15। तो ये कुछ बन रहा था अपना। क्यों? अच्छा, 6 तो थियोरेटिकल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन निकल कर आए थे आइडियली, है ना। सॉरी, 5 तो थियोरेटिकल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन निकला था और 6 तक, अच्छा अपने 6 तक बने थे। हाँ, S6J30 ये अपना बना था। अभी देखो, उसमें मतलब जरूरी नहीं कि अपन ऐसा रैंक वाइज चलें कि भाई ए के बाद बी और वो उसको देखें। अगर अगर रैंक को फॉलो ना करें, अगर रैंक्स को फॉलो ना करें, तो क्या उसके बाद हमारा इसमें फर्दर कोई अरेंजमेंट्स, मतलब किसी तरीके से हम ये एफिशिएंसी को बढ़ा पा रहे हैं क्या? तो उसके लिए अपन को चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करें? देखो, तुम इसको दोबारा बनाने की कोशिश करो। इस बार क्या करो, जैसे देखो, एक तो ये 30 है, एक ये 30 है। अभी इस 30 के साथ तो 10 चला गया, इस 30 के साथ एक 10 ले लो और इस 30 के साथ एक ये 10 ले लो, या ये वाला 10 इसके साथ ले लो, मतलब जैसे भी है, ताकि अपना 40 40 40 तीन जगह आ जाएगा। तो तीन जगह अपना जो आइडियल टाइम है वो 0 हो जाएगा। एक तो ये कर सकते हैं। रुको, अभी एक और देखो फिर। अच्छा, जब ये 10 आप यहाँ भेज दोगे, एक ये 10 यहाँ भेज दोगे, तो ये 20 अकेला हो गया। तो इस 20 के साथ में इस 20 को अरेंज कर दो। कर सकते हैं भाई, ये 20 के साथ में ये 20 अरेंज हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हो गया। फिर बचा ये 15, तो ये 15 आपका इस 15 के साथ सेट हो जाएगा। नहीं होगा? कितने बनेंगे वर्क स्टेशन फिर तब? देखो मैं क्या बोल रहा, एक तो आपका हो गया बी, बी के साथ में आप ले लो F 20, इसका 20, उसका हो गया 40। ओके, एक आप ले लो सी और ए, सी का 30, ए का 10, तो 40 अगेन। मतलब अगर करें तो अरेंज एक बार देख लेते हैं। क्या? हाँ, आइडल टाइम से कहाँ कर रहे थे सेट ऑफ? अरे अपन 40 40 लाना था, उसने रिक्वायर्ड टाइम जो दिया है वो 40 था, और अपना इनका टोटल 40 से ज़्यादा नहीं जा सकता था ना, वर्क स्टेशन साइकिल टाइम 40 था ना, ऐसा चीज़। चलो, तो एक तो ये करा। और एक क्या करा, एक अपन ने बी एफ करा, बी और एफ ये दोनों निकल गए, एक अपन ने ए और सी निकाल दिया। ठीक है, फिर ई, ई को ई 10 है ना, तो ए को 30 कौन है? जी, नहीं जी तो हो रखा है, जी और एच तो ऐसे रहने देंगे, उनको नहीं छेड़ना। जे, एक काम करो, ई को जी के साथ कर दो और एच को जे के साथ कर देना, पास पास वाले साथ में आ जाएंगे जो वर्क जॉब्स है ना वैसा। तो एक काम करता हूँ, ई और जी को साथ में रखते हैं, ये 3, तो ये ई और ये जी, 10 और 30, ये भी 40 हो जाएंगे आपके। ठीक है, फिर कौन बच रहा है इधर? इधर बच रहा है डी और एक तो बच रहा है एच। ठीक है, तो एक बन जाएगा इनका डी का और ये आई का, 15 15 वाला डी आई 15 15, और इसमें चाहो तो एच भी ले लो, 15 15 30 30 और 10, तो 3 आ जाएंगे उसमें, डी आई और एच, ये चौथा बन गया आपका। अब कौन बच रहा है सिर्फ लास्ट में? जे, तो जे को अलग छोड़ दो, ये 5। तो नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कितने जे थे? 5 आ गए, 5। हाँ, आइडल टाइम इसमें ही बच रहा है, ये जे वाले में आइडल टाइम बचेगा 10 का, पर हाँ एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अरेंजमेंट करने से, ये अरेंजमेंट करने से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो चलो लिख लेते हैं इनको साथ में, ये वाला बना लेते हैं साथ में वापस, एक बार कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं पूरा।
ठीक है चलो लिख लेते हैं। हेडिंग्स अपनी बनेंगी, वर्क स्टेशंस, टास्क, इनका जो वर्क स्टेशन साइकिल टाइम था, हमारा जो आइडल टाइम आ रहा था, वो सब सेम चलेगा। ठीक है, इनका टाइम वो सब। तो जैसे S1 वर्क स्टेशन 1 में हमने रखा है B और F को, तो B और F दोनों मिलाकर हैं, इनका टाइम है 20, 20 वर्क स्टेशन साइकिल टाइम वॉज 40, आइडल टाइम इज निल, B और F। स्टेशन टू में रखा है मैंने C और A, यानी A और C को, A का है 10 और C का है 30, ये 40 बन गए, आइडल टाइम हो गया निल। स्टेशन थ्री में आ गया E और G, तो E और G को करा तो मैंने E और G 10 और 30, ये वर्क स्टेशन 40, ये आइडल टाइम 0। नाउ वर्क स्टेशन फोर मैंने 4 को रखा है DHI, D15, H10, I15, ये 40, ये निल। और स्टेशन फाइव में मैंने रखा है J का, केवल जो अकेला बचा है 30, 40, और इसका आइडल टाइम 10, ख़त्म। ये अब सही है ना, ज़्यादा बेटर है ये। 200, ये 10, 20, वो ये तो टोटल उतना ही रहेगा, 190, 20, 20। अब अगर आप इसका लाइन एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे ना, तो आपका एफिशिएंसी बढ़कर क्या जाएगा, जो पहले 79 कुछ था, अब वो लाइन एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। और मेनली लाइन एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ही ये काम किया गया है, इसीलिए ये अरेंजमेंट किया गया है। अब इसका लाइन एफिशिएंसी निकाल लो, वन नाइन्टी अपॉन 200, तो 95%। और डिले टाइम निकालोगी, इट विल बी ओनली 5%, तो ये बेटर है ना। तो अपने वर्क स्टेशंस होंगे ये 5, जो कि अपने थ्योरेटिकल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन थे ही, तो 5 आ गए ये, और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई, और ये इनके टास्क अलॉटेड। अब तुम कहोगे सर पर वो जो हमने रैंकिंग वगैरह दी थी वो तो इधर काम ही नहीं आ रही। क्यों, जो सबसे पहला पहला बना था वो तो रैंकिंग से बना था, उसी में ही तो हमने एडजस्टमेंट्स किए हैं। हमने जो बनाया था वो तो रैंकिंग से बना था ना, उसमें ही तो एडजस्टमेंट कर करके अपन ने ये लेकर आए, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और था मेरे पास।
अभी जैसे ये एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है तुम लोग को, इसमें क्या करना है, एक तो मुझे फाइंड के एक मैं यूज ओनली फोर स्टेशंस S1 S2 S3 S4 ठीक है, एंड कैलकुलेट करके तो मेरे को ये सब चीज़ें, पहला वर्क स्टेशन साइकिल टाइम, दूसरा दूसरा थ्योरेटिकल नंबर ऑफ स्टेशंस, वैसे तो उसने कहा है यूज ओनली फोर स्टेशंस बट स्टिल अगर निकालें तो वो कितना आता है वो बताना है आपको, तीसरा लाइन एफिशिएंसी, लाइन एफिशिएंसी ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, करो इसको। वर्क स्टेशन साइकिल टाइम के लिए फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला लगाओ अपना, ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है आप लोग को, वर्क स्टेशन साइकिल टाइम थ्योरेटिकल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एफिशिएंसी, फॉर्मूला लगाओ इनका रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा एक बार में। आपसे यहाँ पे लाइन को बैलेंस करने को नहीं बोला है तो रैंकिंग वगैरह वो सारा काम नहीं करना है ठीक है। हाँ सेकंड्स में ही है सारा, सेकंड्स में ही है। कौन से आवर्स? 8 आवर्स पर डे, 4 stations, तो वर्क स्टेशन साइकिल टाइम का फॉर्मूला क्या लगा रहे हो आप, वर्क स्टेशन साइकिल टाइम का फॉर्मूला क्या लगा रहे हो आप? अब एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे टारगेट आउटपुट दे नहीं रखा है, तो जब हमको टारगेट आउटपुट नहीं देगा, ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, इसका ये एक रीज़न था कि एक वेराइटी अलग है। जब आपको नंबर ऑफ वर्क स्टेशन दिए हों, मतलब कि कितने आपको वर्क स्टेशन यूज़ करने हैं, तो वहाँ पे आप क्या करोगे करोगे ना, वर्क स्टेशन साइकिल टाइम के केस में आप फॉर्मूले में टारगेट आउटपुट ना डाल करके जो आपका टोटल टाइम है उसको आप डिवाइड करोगे विद दी नंबर ऑफ स्टेशंस से ठीक है। जब आपको टारगेट आउटपुट नहीं दिया हो बल्कि आपको स्टेशन जो यूज में लेने वो दिया हो, तो वहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टेशन से डिवाइड करेंगे आपके टोटल टाइम को या आपके टास्क टाइम को जो भी है आपका बेसिकली। तो कितना टोटल टाइम इन सबका, 175? हाँ अच्छा टोटल करोगे भी, 10 15 25 45 75 100 125, हाँ 175 ही तो आ रहा है बेटा। बाय 4 दैट इज 43.75 75 सेकेंड्स, सेकेंड्स ठीक है। यानी तुमको
एक टास्क करने के लिए कितना टाइम अवेलेबल है? 43.75। वेरिएंट को अरेंज करना पड़ता अपन को बाद में, पर इधर एक दिक्कत है, इधर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? टास्क 1, 2, 3, 4 ये तो हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इन सबका जो टाइम टेकन है वर्क स्टेशन साइकिल टाइम से कम, पर जो फिफ्थ टास्क आप देख रहे हो उसका टाइम टेकन कितना है? 50 सेकेंड्स, और तुमको टाइम अलाउड कितना है? 43.75। मतलब टाइम जो अलाउड है वो कम है, टाइम टेकन ज़्यादा है, तो क्या करें? उसको तो कम कर ही नहीं सकते। तो अपन क्या करेंगे, ये 43.75 को ना लेकर के अपन इसको जो जो मैक्सिमम वैल्यू है, जहाँ तक आप उसको अलाउ, हाँ, जो मुझे टास्क परफॉर्म करने के लिए चाहिए ही रहेगा, उससे कम तो मैं कर ही नहीं सकता। तो मैं इसको राउंड, अपन इसको राउंड ऑफ क्या एक तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, कितना बोले 50, तो मैक्सिमम टाइम अलाउड पर टास्क इट विल बी 50, या पर स्टेशन विल बी 50, क्योंकि इसको परफॉर्म करने के लिए आपको 50 चाहिए। तो अगर आपने, अगर ये फिफ्थ नंबर का टास्क अगर किसी भी वर्क स्टेशन में रखा, मेरी बात समझना, अगर आपने फिफ्थ नंबर का टास्क किसी भी वर्क स्टेशन में रखा तो आपको उधर कम से कम भी कितना चाहिए? 50 सेकंड तो चाहिए ना, क्योंकि तो इसको कंप्लीट होने में खुद को 50 सेकंड लग रहे हैं, इसीलिए हमने हमारे वर्क स्टेशन साइकिल टाइम को क्या कर लिया बेटा, 50 पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, 50 लेके चलेंगे। अभी थियोरेटिकल नंबर ऑफ स्टेशन निकालो और लाइन एफिशिएंसी निकाल लो। मैं 1 मिनट पेन लेकर आया, दूसरा डिस्चार्ज हो गया। ना 3.5 थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर स्टेशन, जिसको आप राउंड ऑफ करते हैं तो कितना था? 4। तो जितना हमसे बोला गया था क्वेश्चन में कि 4 स्टेशन यूज करना, तो हमारे थ्योरेटिकल नंबर ऑफ स्टेशंस भी कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। इसी तरह आप लाइन एफिशिएंसी फाइंड कर लो। तो लाइन एफिशिएंसी के लिए कुछ नहीं करना, सुनो मेरी बात, पूरा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। जब इस तरह से क्वेश्चन आपको बोलता है तो देखो, आपने जो वर्क स्टेशन का जो टाइम निकाला था वो कितना निकाला था, तो आपने कैलकुलेट करके निकाला था, इट वॉज 43.75। ठीक है, यानी कि न्यू रूम
इतना हमको मैक्सिमम टाइम टाइम अलाउड होना चाहिए था, पर एक्चुअली क्या हुआ, एक पर हमारे पास जो टाइम लग रहा है दैट इज़ मोर देन 43.75, दैट इज़ 50। तो हम क्या करेंगे, इनको ही आपस में डिवाइड करके लाइन एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इनको ही आपस में डिवाइड करके लाइन एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका होगा, ये आपको कब करना है, आप एडिशन, ये आपको कब करना है, जब आपको बेसिकली पूरा कैलकुलेट करने को नहीं बोला गया है, लाइन बैलेंसिंग के लिए नहीं बोला गया, तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करने से मतलब नहीं है। हमको बता रखा था नंबर ऑफ स्टेशन कितना यूज़ में लेना है, तो हमने उससे वर्क साइकिल टाइम निकाल लिया, क्रिटिकल नंबर स्टेशन वो अपना 4 आ ही गया है वैसे भी। एंड लाइन एफिशिएंसी आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई जो तुम्हारा ओरिजिनल वर्क स्टेशन टाइम आया था वो ले लो, उसको डिवाइड कर दो किससे, जो आपका एक टोटल टास्क टाइम लग रहा था उससे। क्या, हाँ, पूरा कैलकुलेट करोगे तो भी यही आता, बिल्कुल। तो ये काम एक आप कर सकते हो। हो गया, चलो तो इसी के साथ तुम लोग का लाइन बैलेंसिंग ख़त्म करते हैं। इस ये ख़त्म था, इसमें और कुछ नहीं है, कुछ अगर हो सकता था अलग से तो वही इसमें बता दिया मैं तुमको, जिसमें तुमको स्कीमेटिक डायग्राम बना के देगा, बाकी तो हमने पूरा कर ही लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। तो अभी नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा बोला था अपन ने, आज अपन को नया टॉपिक स्टार्ट करना रहेगा, दैट इज स्केड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग। बहुत आसान चीज़ है और बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें, कुछ भी नहीं करना होता इसमें। सीक्वेंसिंग तो बड़ा आसान है वैसे भी, और स्केड्यूलिंग, बेसिकली स्केड्यूलिंग और सीक्वेंसिंग एक साथ ही होता है, और बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है। बस दो दो तीन तीन तरह के केसेस अपन को पढ़ने हैं। पहला जनरल रूल होता है, बाकी दो ऐसे अलग अलग तरह के रूल्स होते हैं आपके। जनरल रूल का बात करें तो बहुत सिंपल चीज़ रहता है, बस कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स हमको ध्यान में रखनी है वो क्या होती है, और उन टर्म्स के अपने को फॉर्मूले याद रखने, खत्म। हमको अलग से कुछ कैलकुलेट नहीं करना, हमको कुछ भी नहीं करना। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्केड्यूलिंग और सीक्वेंसिंग है क्या चीज़। स्केड्यूलिंग मतलब क्या होता है सर, स्केड्यूलिंग का मतलब होता है टू सेट आउट द स्केड्यूल, है ना। स्केड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, टू सेट आउट टाइम स्केड्यूल, कि भाई कौन कौन से समय पे कौन कौन सा काम होना है, कौन कौन सा टास्क होना है। और सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है, सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि वो ऑर्डर क्या रहेगा, किस ऑर्डर में काम होगा। ठीक है, सीक्वेंसिंग मतलब ऑर्डर ऑफ वर्क, कि कोई अगर टास्क है तो जैसे मान लो चार पांच टास्क दे रखे हैं ए बी सी डी ई, तो पहले कौन सा टास्क परफॉर्म किया जाना चाहिए, ए बी सी, है ना, यानी काइंड ऑफ रैंकिंग देने वाला बात हो गया ये भी। तो स्केड्यूलिंग और सीक्वेंसिंग दोनों सेम साथ साथ ही चलता है। एक तो आपके पास ऑर्डर्स पता होना चाहिए किस ऑर्डर में कौन सा काम करना है, और किस टाइम पे कब कौन सा आपको जॉब जो है परफॉर्म करना है, तो ये आपका कहलाता है सीक्वेंसिंग और स्केड्यूलिंग। जैसे मान के चलो ये हमको कुछ इनपुट्स दे रखे हैं, एक मशीन है, वो मशीन में क्या है, कुछ इनपुट्स जाते हैं, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस सी, दिस इज डी। तो ये कुछ क्या है, दीज आर दी इनपुट्स, मान लो कोई तरह का मटेरियल है, कुछ भी चीज़ है, जो किधर जाता है, इस मशीन में जाता है। ठीक है, दीज आर दी इनपुट्स।
इनपुट जाएगा तो मशीन के बाहर क्या लगे निकलेगा, आउटपुट। दीज आर दी इनपुट जॉब्स। क्या हुआ, आया नहीं, अभी आ जाएगा। दीज आर दी इनपुट जॉब्स, किधर से ये आने दो पे। क्या हुआ इसको, आ गया ये तो। ये क्या हो रहा है, ये तो चल रहा है। एक्चुअली इस एप्लीकेशन में दिक्कत आया कुछ। तो ये बीच में आपका मशीन है, उधर से अपन कुछ जॉब्स है, कुछ टास्क है जो अपन ऐसा इनपुट कर रहे हैं, एंड उससे क्या आएगा आपके पास, आउटपुट आएगा। एक मिनट इसको ड्रॉ करो पहले। तो ये जो प्रोसीजर है कि भाई ये जो जॉब्स आप कह रहे हो कि सर इनपुट जाएगा मशीन में ए बी सी डी, तो इनमें पहले कौन जाएगा, इनका सीक्वेंस क्या रहेगा, और किस किस टाइम पे कौन कौन सा आपका जॉब परफॉर्म किया जाएगा टू गेट दी डिजायर्ड आउटपुट, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्केड्यूलिंग और सीक्वेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अपने पास ये बना लिया, हाँ बना लो। इसमें अपने पास तीन तरह के केसेस चलते हैं। ठीक है, अभी इसमें अपने पास टाइम के बेसिस पे, स्केड्यूलिंग के बेसिस पे तीन तरह के केसेस चलते हैं। बेसिकली इसको आप बोलते हो टाइम स्केड्यूल, ऑफ दी जॉब सीक्वेंस्ड। पहले आपने क्या करा, आप टास्क को, जॉब्स को सीक्वेंस ऊपर सीक्वेंस वाइज अरेंज करा कि भाई अपने को ये टास्क परफॉर्म करना है बाय दिस मशीन। हर एक टास्क को इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं मशीन के साथ में टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। हमने तय कर लिया पहले ए बी सी डी, या डी पहले जाएगा या बी बाद में जाएगा, सीक्वेंस सेट कर लिया। सीक्वेंस के बाद क्या करना पड़ेगा, टाइम स्केड्यूल सेट करना पड़ेगा कि कौन सा काम करने के लिए, कौन सा टास्क परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम हमको चाहिए, या कितने टाइम में कौन सा टास्क हो जाना चाहिए। तो अभी टाइम स्केड्यूल को सेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन केस चलते हैं। ये टाइम स्केड्यूल को सेट करने के लिए हमारे पास तीन केस चलते हैं। एक चलता है आपका वन जॉब वन मशीन, दिस द सिचुएशन वन। एक आपका चलता है वन जॉब टू मशीन्स, क्या पता एक ही जॉब को दो अलग अलग मशीन से होकर के गुजरना पड़ रहा है। इधर तो क्या था, ये जो मैं डायग्राम बनाया इसमें एक जॉब एक मशीन का ही है। वन जॉब टू मशीन में कैसा, कि दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स, पहले ये इधर से इस मशीन में गए, फिर उधर से ये किसी दूसरा मशीन में गया, ऐसा केस। ठीक है,
तो वन जॉब टू मशीन भी हो सकता है, और सिमिलरली वन जॉब थ्री मशीन्स भी हो सकता है। अब कैसा बात है, तो दी आपका सिचुएशन टू हो गया और आपका सिचुएशन थ्री हो गया। इसमें जो सिचुएशन वन है ये आप परफॉर्म करते हो या इसके लिए यूज में लेते हो, इसमें तो जनरल रूल अप्लाई होता है, इसमें जनरल रूल अप्लाई होता है। पर सिचुएशन टू और सिचुएशन थ्री को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में एक अलग से मेथड रहता है जिसको हम बोलते हैं जॉनसन्स, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स नहीं बेटा, जॉनसन्स एल्गोरिदम, जॉनसन्स एल्गोरिदम। हम बोलते हैं ना यूट्यूब का एल्गोरिदम है, वैसे ही ये जॉनसन्स एल्गोरिदम है कि ऑन द बेसिस ऑफ एल्गो यहाँ पे सीक्वेंस मतलब स्केड्यूल सेट किया जाता है। तो अपने पास ये तीन अलग अलग सिचुएशंस रहता है यहाँ पे भाई। सीक्वेंस मतलब आप सीक्वेंस सेट कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, स्केड्यूलिंग टाइम स्केड्यूल कैसे सेट करें, तो टाइम स्केड्यूल के लिए आपके पास तीन अलग अलग सिचुएशन आ रही हैं, एक जहाँ पे एक जॉब और एक मशीन है, दूसरा जहाँ पे एक जॉब और दो मशीन यूज में आ रहा है, और जहाँ पे एक जॉब और तीन मशीन। जहाँ पे एक जॉब एक मशीन है वहाँ पे तो आपका सिंपल जनरल रूल अप्लाई होता है, वो मैं बताऊँगा क्या होता है। एंड जहाँ पे मल्टीपल मशीन आ रहा है वहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं जॉनसन्स एल्गोरिदम। वो कैसे अप्लाई करेंगे क्या होता है वो भी अपन सीखेंगे, डोंट वरी। तो अभी पहले मैं आपको आज जो है जनरल रूल के बारे में बता देता हूँ। सिचुएशन वन जनरल रूल आपका, वन जॉब वन मशीन। तो इसमें कुछ बेसिकली क्या है ना, पर कुछ चीजें फाइंड करनी पड़ती हैं आपको। तो सीधे सीधे टाइम वैल्यूज दे देगा और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है, चलो इसका ये वैल्यू निकालो, इसका ये वैल्यू निकालो, इसका ये वैल्यू निकालो। तो क्या क्या वैल्यूज निकालनी होती है, क्या क्या टर्म्स होती है, वो सारी चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ। जैसे एक होता है आपको निकालने को बोलता है SPT, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। अब ये कैसे निकलता है, क्या होता है, सब क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, फिलहाल सिर्फ इनको आप लिखो। एक आपसे बोलता है SPT निकालने को, क्वेश्चन दे देगा, डायरेक्ट बोलेगा SPT फाइंड करो, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम फाइंड करो। एक बोलेगा LPT फाइंड करो, बोले लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम फाइंड करो। फिर एक बोल देगा आपको कि आपका वेटेड SPT फाइंड करो। वेटेड SPT मतलब है तो SPT ही, पर इस बार आपको वेट्स दिया होता है। वेटेड SPT मतलब वेटेड शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। एक आपको बोलेगा EDD, अर्लीस्ट ड्यू डेट। ये क्या काम आता है सब बताऊंगा अभी। एक होता है स्लैक टाइम निकालना, लीस्ट स्लैक भी बोलते हैं उसको, STR, स्लैक टाइम रिमेनिंग। MCR मिनिमम क्रिटिकल रेशियो। इसको STR को आप ना LS भी लिख सकते हो, लीस्ट स्लैक।
लीफो जिसको एलसीएफएस एफसी भी बोलते हैं, एलसीएफसी लास्ट कम फर्स्ट सर्व, और फीफो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इधर एफ एफसी नहीं एफएस आएगा, एलसीएफएस फर्स्ट सर्व। अब जैसे हमने लिखा है यहाँ पे लीस्ट, यहाँ स्लैक टाइम निकालना है ना, स्लैक टाइम रिमेनिंग जैसे निकालना है। तो स्लैक टाइम रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, स्लैक टाइम अगर निकालना हो किसी क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला रहता है। क्या फॉर्मूला रहता है कि आपका जितना भी ड्यू डेट है DD है, उसमें से माइनस कर लो आपका प्रोसेसिंग टाइम। तो बेसिकली काइंड ऑफ फॉर्मूलास हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो अपन फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं। तो ड्यू डेट माइनस प्रोसेसिंग टाइम, तुमको क्या मिल जाता है, तुमको मिल जाता है सेलेक्ट टाइम। एक रहता है तुम्हारा क्रिटिकल रेशियो, जैसे यहाँ इसने बोला ना मिनिमम क्रिटिकल रेशियो, तो क्रिटिकल रेशियो कैसे निकालते हैं, तो क्रिटिकल रेशियो के लिए फॉर्मूला रहता है आपका सेम ड्यू डेट, और उसको डिवाइड करते हो आप प्रोसेसिंग टाइम से। ड्यू डेट को डिवाइड करते हो आप प्रोसेसिंग टाइम से। ठीक है, अब ड्यू डेट मतलब क्या ये समझ लो, यही लिख देते हैं। ड्यू डेट मतलब क्या, तो ड्यू डेट का यहाँ पे हमारा मतलब है बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम अप टू विच टास्क शेल बी कंप्लीटेड। ये वो टाइम है जब तक आपका काम पूरा हो जाना चाहिए, कंप्लीटेड। ठीक है, दिस इज द ड्यू डेट, और एक आपको देगा प्रोसेसिंग टाइम। तो जनरली प्रोसेसिंग टाइम के लिए क्वेश्चन में लिखा रहता है वर्क रिमेनिंग, टाइम फॉर वर्क रिमेनिंग, एक मिनट, टाइम फॉर वर्क रिमेनिंग ऐसे करके दिया रहता है। तो जब भी ऐसा कुछ लिखा हो समझ जाना प्रोसेसिंग टाइम दिया है। अल्टीमेटली प्रोसेसिंग टाइम का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट अ टास्क, कि क्या टाइम लग रहा है आपको टास्क कंप्लीट करने में, दैट इज प्रोसेसिंग टाइम। और ड्यू डेट मतलब कितने में ख़त्म करना है, ड्यू डेट आपको बता रहा है कितने में ख़त्म करना है, एंड प्रोसेसिंग टाइम आपको बताता है कितने टाइम में तुमने ख़त्म किया। तो इनके लिए रिस्पेक्टिव बेसिस पे प्रोसेस टाइम के लिखा रहता है टाइम फॉर वर्क रिमेनिंग। तो आपको क्वेश्चन में ड्यू डेट देखना है, प्रोसेसिंग टाइम देखना है, तो उससे आप स्लैक टाइम और क्रिटिकल रेशियो निकाल सकते हो, बेसिकली ये मैं बताना चाह रहा था। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा शायद, अगर इसको तो ये सारा चीज अपना इसमें रहता है। अब इन सब चीजों करने के लिए, अब ऐसे सबसे पहले आ रहा है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो क्या करना पड़ेगा शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के लिए, तुमको अलग अलग टास्क दिया होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, उनका तुमको प्रोसेसिंग टाइम क्वेश्चन में दिया होगा। तुमको क्या करना है, जिसका प्रोसेसिंग टाइम तब सबसे कम उसको पहले रख दो, फिर जो उससे ज़्यादा, फिर इस तरह से आप उसको अरेंज कर देते हो। ऐसी लॉन्गेस्ट प्रोसेस, अगर क्वेश्चन बोल रहा नहीं, लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम से अरेंज करो, तो जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे ज़्यादा उसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। वेटेड एसपीटी, इसको कैलकुलेट किया जाता है। खैर, अर्लीस्ट ड्यू डेट, अर्लीस्ट ड्यू डेट मतलब सबसे कम टाइम किसको किसके लिए मिला है ख़त्म करने को। ड्यू डेट मतलब क्या था, वो टाइम जिसमें आपको, जो आपको अवेलेबल है काम खत्म करने के लिए। तो अर्लीस्ट ड्यू डेट मतलब
कि वो मतलब यहाँ पे आपको अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि वो टास्क सबसे पहले लो जिसका ड्यू डेट सबसे कम है, ऐसा चीज़। फिर एसटीआर लीस्ट स्लैक निकालना पड़ता है यहाँ पे। स्लैक स्लैक कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लगा करके, तो जिसका स्लैक टाइम सबसे कम आ रहा है उसको सबसे पहले अरेंज कर दोगे। ऐसे ही मिनिमम क्रिटिकल रेशियो, पहले आप क्रिटिकल रेशियो निकालोगे फॉर्मूला लगा करके, जिसका क्रिटिकल रेशियो सबसे कम आएगा पहले उसको अरेंज करेंगे, फिर इस तरह चलता रहेगा। लीफो फीफो भाई जो बाद में आया, लीफो में जो बाद में आया सबसे पहले उसको सर्व कर देना, फीफो जो पहले आप उसको सर्व कर देना, इस तरह से अरेंज करता है। तो अपने को क्वेश्चन दिया जाएगा, अपने को वहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम और ड्यू डेट दिया जाएगा, उसके बाद अपन को ये सारा चीज़ें निकालने को बोल सकता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। बट क्वेश्चन वाला पार्ट अपन कल करेंगे, आज के क्लास में थोड़ा छोटा रख रहा हूँ, कल इसके सारा क्वेश्चन और जो है कल ये टॉपिक खत्म कर देंगे, ठीक है? तो ये एक बार करो। हाँ वैसे मैं तुमको फाइल दिया है, चाहो तो उसमें पहला वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, घर पे इजीली हो जाएगा, ठीक है?